आर हम रवि शास्त्री रउआ सबके स्वागत करत हई राउत पसंदीदा चैनल पर। अभी नवरात्रा के ढेर सारा शुभकामना पूरा भोजपुरिया समाज के तरफ से। आज हम ही सब बात करल जाई रउआ लोग के बीच में शुभकामना संदेश रखल जाई भूतपूर्व सीएम बिहार जीतन राम मांझी जी से। नवरात्रा नवरात्रि और दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा जो भी है उसके अवसर पर हमारे लोग शुद्ध मन से अपने तन मन की शुद्धता के लिए राज में शांति के लिए माँ देवी की पूजा करते हैं। इस अवसर पर माँ देवी उनको ऐलान दे खुश हों और हर तरह से उनकी सुख शांति मिल रहे यही मेरी शुभकामना। सर बिहार में जैसे हम पार्टी का जितना वर्चस्व है और बाहर में जिस तरह से वर्चस्व है तो अभी दुर्गा पूजा का जो सिलसिला चल रहा है और जिस तरह से हमला वगैरह हिंदुस्तान में चल रहा है और भी जगह हो रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे बच्चे के लिए खास करके कि वो कैसे घूमें या दीपावली के समय में पटाखा के लिए और या मतलब कि बाहर खुला घूम सकते हैं नहीं घूम सकते हैं। देखिए एक ही सवाल में कई एक बात आपने कह दी है। तो सबसे पहले आपने कहा कि देश पर इस तरह की संकट है राजनीतिक संकट या सीमा पर संकट है और उसमें नरेंद्र मोदी जी जो दृढ़ता के साथ आज पेश आ रहे हैं वो काबिल तारीफ है और पाकिस्तान को नहीं बल्कि समुचे संसार को उन्होंने एहसास दिला दिया है कि हर गम पर हम अपनी स्वतंत्रता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और इसके लिए जो भी बाधाएँ आएगी उसके लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। जहाँ तक रही बात एक पूजा का समय चल रहा है नवरात्रि है आज तीसरा दिन है और माँ भगवती की लोग पूजा करते हैं विभिन्न रूप में उस समय तन मन को शुद्धि के लिए उपवास करते हैं फलाहार करते हैं और ध्यान लगाते हैं कि हर तरह से उनको शक्ति मिले और उसी शक्ति से राज्य का समाज का देश के विकास के लिए भी लोग मांगते हैं। हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जो उनके निराग है वो पूरी हो। रही बात बच्चों का सवाल है तो बच्चे ऐसे समय में कुछ आतिशबाजी वगैरह करते हैं या आतिशबाजी करने का समय नहीं है। आतिशबाजी से हमारा वायुमंडल जो है वो दूषित होती है और हमारा जो वातावरण है उसको हर हालत में शुद्ध रखने की आवश्यकता है। जैसे पहले जो घी का दिया जलाते थे और कोई बात करते जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध होता था तो हमको अपने पुरानी संस्कृति को समझना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए और मर मिठाई खाने की बात है अपने घर में अगर खान तो ज़्यादा ही अच्छा नहीं तो इतना आज व्यापार में अशुद्धता आ गई है व्यापार के लोग लाभ लेने के लिए किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं इसमें खास करके हमारे बच्चे भविष्य हैं और गलत चीज़ खा करके एडल्ट्रेटेड सामान खा करके दूषित हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे तो देश को भी क्षति होगी। इसलिए उन बच्चों को उनके गार्जियन को भी हम आज के समय में आह्वान करते हैं कि वो बच्चों को इस दिशा में जाने से रोकें और प्रयास करें कि शुद्ध से शुद्ध चीज़ बच्चों को खिलाएं। जी धन्यवाद।